नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आज से एक सप्ताह पूर्व तक रीवा के संजय गांधी अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय में निजी एम्बुलेंसों की लगने वाली कतार को नहीं भूला जा सकता। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे अस्पताल निजी एम्बुलेंस विहीन हो चुके हैं। एम्बुलेंस संचालक जहां भूमिगत है तो वही दलाल उदास नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक शहर में लगने वाली निजी एम्बुलेंसों की कतार गायब हो गई है। दरअसल आज से तकरीबन 3 दिन पूर्व रीवा आरटीओ विभाग के द्वारा निजी एम्बुलेंस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें अवैधानिक रूप से चलने वाली एम्बुलेंस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया गया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए संचालकों को भारी भरकम जुर्माने की राशि भरनी पड़ी थी। अब आलम यह है कि आरटीओ विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद संजय गांधी अस्पताल, जहां अन्य दिनों में दर्जनों एम्बुलेंस का तांता लगा रहता था, वहां आज एक भी एम्बुलेंस दिखाई नहीं दे रही है। अब एम्बुलेंस संचालक अपने वाहनों को छिपाते फिर रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अब तक जितनी भी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती थी उनमें से अधिकांश अवैधानिक रूप से संचालित हो रही थी। हालांकि आरटीओ विभाग के द्वारा बीते दिनों की गई कार्रवाई के बाद वह दूसरे कामों पर लग चुका है, लेकिन एम्बुलेंस संचालक अभी भी अपना वाहन निकालने में दहशत महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि आरटीओ विभाग के द्वारा अस्पतालों पर जाकर कार्रवाई की गई होती तो रीवा शहरी क्षेत्र में चलने वाले आधे से अधिक एम्बुलेंस संचालक अपने पूरे दस्तावेज तक पेश नहीं कर पाएंगे।